Hello everyone, let's start with the introduction video of exercise 1.2. अब हमने अभी तक rational numbers पढ़े थे कि rational numbers क्या होते हैं, ऐसे numbers जो p by q form में लिखे जा सकते हैं। अब हम आते हैं irrational numbers के ऊपर कि irrational numbers क्या हैं, ऐसे numbers जो p by q form में ना लिखे जाएं। So a number s, suppose any number s is called irrational if it cannot be written in p by q form. अगर आप कोई भी नंबर को p by q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहा जाएगा। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स। जैसे आपके पास रैशनल नंबर्स इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, इसी तरह से इरेशनल नंबर्स भी आपके पास इनफाइनाइटली मेनी होंगे। रियल नंबर्स मेनली दो तरीके से डिवाइड किए गए होते हैं, एक होते हैं रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर्स के दो ही पार्ट होते हैं, रैशनल मतलब वो जो p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं और वो नंबर्स जो p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। अब आते हैं नंबर लाइन के ऊपर। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये होती है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर आपने क्या देखा है, इसका नाम नंबर लाइन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के साथ एक स्टेटमेंट एसोसिएटेड है, एक रूल है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब हर एक रियल नंबर को एक यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको पता है रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरेशनल। क्योंकि हर रियल नंबर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर, रैशनल नंबर भी एक रियल नंबर है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। मतलब रैशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं और इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जैसे ये भी 1 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, ऐसे ये नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस एंड ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, वाइस वर्सा, उसी का उल्टा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ रीजन वी कॉल द नंबर लाइन एज रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन भी बोला जाता है नंबर लाइन को, क्यों, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट एक रियल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। सो फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट रूट टू एंड रूट थ्री ऑन नंबर लाइन। अब हमें रूट टू और रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज वी टेक अ नंबर लाइन, एक पॉइंट मार्क करेंगे जीरो, यहां से एक यूनिट का डिस्टेंस ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं ए, इसको लेंगे 1 यूनिट, ठीक है। फिर यहां से ही एक और यूनिट का डिस्टेंस ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम देंगे बी, ये भी 1 यूनिट, ओके। फिर ये लाइन को इसके साथ जॉइंट कर देंगे ओ बी। अब हमारे पास 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, इसका बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ये हाइपोटेन्यूस की साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, 2 इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। अब स्क्वायर जब इस साइड आप शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट, तो रूट 2 इज इक्वल्स टू ओ बी। तो हमें ये जो साइड है ये रूट 2 मिल गया, ये तो हमें इसकी लेंथ रूट 2 मिल गई। अब इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल टेक अ राउंडर, राउंडर लेंगे, उसकी जो नीडल है उसको इस ओ पॉइंट पे करेंगे प्लेस, उसकी ये जो रूट 2 है इतनी लेंथ हम उसमें मार्क कर लेंगे और फिर यहां से उसका एक आर्क बनाने की कोशिश करेंगे, यहां पे एक आर्क बनाएंगे। तो इधर से आप इस तरह से उसका कट बनाएंगे, ये जो आपको पॉइंट मिलेगा P, ये पॉइंट होगा आपका रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूट 3 कैसे मार्क करेंगे नंबर लाइन पे।
3 करने के लिए. अब रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, यहां से वापस एक 1 यूनिट यहां से लेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा C, ये हो गया 1 यूनिट. अब आपके पास ट्रायंगल कौन सा आ गया, ओ बी सी, ये ओ सी के साथ जॉइंट कर दिया. अब आपको क्या फाइंड करना है, ओ सी. आपका बेस क्या है, ओ बी, फिर बी सी एंड ओ सी आपको फाइंड करना है. तो आप यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर. ओ बी, ओ बी की वैल्यू कितनी आई थी, रूट टू. ओ बी स्क्वायर कितना है, टू. तो ओ बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, टू प्लस बी सी स्क्वायर. बी सी कितना है, वन यूनिट, उसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर. ओ सी स्क्वायर, टू प्लस वन इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर. थ्री इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर. स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट थ्री इज इक्वल्स टू ओ सी. अब ओ सी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, रूट थ्री. फिर से आप अपना कंपस राउंडर यहाँ पे नीडल रखेंगे, इतना मेजर करेंगे और फिर इसको यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कुछ कट लेके आएंगे नंबर लाइन के ऊपर. तो यहां से कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा और यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेगा Q. तो ये जो पॉइंट Q है वो आपका रूट थ्री होगा. इसी तरह से आप इसको फर्दर और कैरी ऑन कर सकते हैं. इसके बाद में रूट फोर दैट इज टू वो भी मिलेगा, रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, रूट नाइन, रूट टेन, कितने भी आपको बोले हैं वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.